हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर जो गूगल कैमरा के बारे में बात करने वाले हैं। जो गूगल कैमरा है दोस्तों, जीकैम 8.2 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर जो पैकेज नेम है काफ़ी डिफरेंट है, com.android.mgc एंड 8.2.400 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। मतलब जो लेटेस्ट वाला बिल्ड है उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। तो गूगल कैमरा का अगर आप लेटेस्ट बिल्ड यूज़ करना चाहते हो अपने फोन के ऊपर, तो आप इसे कर सकते हो। नए जो डिवाइसेस, तो अपना पोको फोन है, पोको फोन के अंदर एक गूगल कैमरा काम कर रहा है, तो ऑलमोस्ट सभी डिवाइस पर काम करेगा। जिस भी डिवाइस के ऊपर लेवल 3 और फुल का सपोर्ट हमें देने को मिलेगा कैमरा ट्यूब पे इसके अंदर। सो जीकैम 8.2.400 का सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। एंड कैमरा का जो यूजर इंटरफेस है कुछ इस तरह से, हमने इस गूगल कैमरा के साथ एक वीडियो को रिकॉर्ड करके मेरे चैनल को भी डाला था, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा वीडियो, क्योंकि इतना बढ़िया क्वालिटी हमें देने को मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, क्या बात है। यहाँ पर हमें 4K एंड फुल HD का जो सपोर्ट है वो देने को मिल जाती है। बट अब यहाँ पर जो FPS है उससे आप दोस्तों चेंज नहीं कर पाओगे, उससे आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। 1x 2x ये भी काम कर रहा है। अगर बात करूँ स्लो मोशन की, तो देख सकते हो स्लो मोशन यहाँ पर काम नहीं करता है, स्लो मोशन के अंदर बग्स है। एंड यहाँ पर देख सकते हो फिर से जो कैमरा है वो हमारा बंद हो गया। तो इस तरह से है, थोड़ा बहुत दोस्तों ग्लिचेस डेफिनेटली देने को मिल जाते हैं। एंड फुल API का सपोर्ट है, इसलिए दिक्कत होता है। अगर आपके पास लेवल 3 का सपोर्ट है तो और भी बढ़िया देने को मिलेगा कैमरा ट्यूब के अंदर। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ टाइम लैप्स की, तो टाइम लैप्स मोड देख ही सकते हो, आपके सामने में टाइम लैप्स को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। एंड हमारा जो टाइम लैप्स पर सेव भी होता है, तो टाइम लैप्स मोड यहाँ पर काम करते हैं, नो इश्यू एट ऑल। फोटो एक्सपायर मोड भी देखने को मिलता है। नाउ आई डोंट नो आप में से कितने भी लोग हो गए जो कि फोटो एक्सपायर मोड की यूज़ करते हैं और पैरानोमा की यूज़ करते हो गए, बट पैरानोमा एंड फोटो एक्सपायर मोड ये हमें यहाँ पर गूगल कैमरा के अंदर देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर कैमरा की अगर बात करूँ, HDR मोड बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है, आपको अलग से एनेबल करना पड़ता है। यहाँ पर टाइमर भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर स्क्रीन रेशियो भी है, पोर्ट्रेट मोड भी हमें देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर फेस रिटचिंग, टाइमर का ऑप्शन, फ्लैश का ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। अगर बात करूँ नाइट स्लॉट मोड की, तो डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी बटन हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड टाइमर सिर्फ देखने को मिल जाती है। सो बहुत सारी ऑप्शन है जो कि इस गूगल कैमरे के अंदर मिसिंग है। बट इस गूगल कैमरे का पिक्चर क्वालिटी कैसे हो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपको मैं कुछ पिक्चर सैंपल क्लिक करो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो। सो ये जो जितने भी पिक्चर है सभी को हमने पोको फोन के साथ जीकैम 8.2 के साथ क्लिक किया है। एंड ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी आपको कैसा लगा, पिक्चर के अंदर शार्पनेस आपको कैसा लगा, पिक्चर जो है आपको डिटेलिंग कैसे लगी, जरूर उसको कमेंट करके बोल देना। मेरे को दोस्तों फर्स्ट लुक में जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिली काफी बढ़िया है। भले दोस्तों ऑप्शन कम देखने को मिल जाए, बट गूगल का जो AI है, जो एल्गोरिथम है, काफी सही है। बहुत ही अच्छे से पिक्चर को प्रोसेस कर पाता है, बहुत ही अच्छे से समझता है किस तरह की सीन है, डायनेमिक रेंज कैसा है, सब कुछ आप देख ही पा रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओवरऑल जो पिक्चर है काफी बढ़िया मेरे को देखने को मिला है। एंड आपको डेफिनेटली जो स्टॉक कैमरा है उससे काफी बेहतर पिक्चर देखने को मिल जाती है। ना इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें हमने कर लिया था, एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफी बढ़िया है, मैंने टेस्ट करके देख लिया है। एंड वीडियो के अंदर कोई भी इशू नहीं है, फुल HD 4K दोनों ही सपोर्ट करता है वीडियो के अंदर। एंड फोटोग्राफी के लिए जो गूगल कैमरा है काफी बढ़िया है। एंड बहुत सारी चीजें जो कि ऑटोमेटिक है, जिसके अंदर आपको मैनुअल ऑप्शन नहीं है, जैसे कि एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये सभी चीज आपको ध्यान में रखना होगा इस गूगल कैमरा के अंदर। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी बटन है वो भी हमें इस गूगल कैमरे के अंदर देखने को नहीं मिलता है। चलते सीरीज के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर आपको इंटरफेस का ऑप्शन देने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको मॉडल का ऑप्शन है, व्यू फाइंडर फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सेक्शन फोटो मोड का ऑप्शन देने को मिल जाती है। जनरल के अंदर सेव, जनरल मतलब लोकेशन सेव कर सकते हो, गूगल सजेशन है, सोशल शेयर के ऑप्शन है, डायरेक्टली गूगल कैमरा से ही फोटोज को शेयर कर पाओगे, गेस्ट हाउस का ऑप्शन है, डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, कितना मिनट का वीडियो एंड कितना फोटोज को क्लिक कर सकते हो आपको यहाँ पर सभी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के अंदर HDR कंट्रोल का ऑप्शन है, रॉ इमेज का ऑप्शन देने को मिल जाती है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। फ्रेम हिंटिंग का ऑप्शन है, सेव सेल्फीज, वीडियो स्टेबिलेशन। यस भाई साहब, ये जो गूगल कैमरा है आपका वीडियो स्टेबिलेशन को भी सपोर्ट करता है, ऐसे देख सकते हो वीडियो स्टेबिलेशन को भी सपोर्ट करता है। बट अभी भी दोस्तों इस गूगल कैमरा के अंदर बहुत सारी ऑप्शन मिसिंग है। एक्चुअली ये जो बिल्ड है दोस्तों ये अल्फा बिल्ड है, सो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। जो BSG की तरफ से ये जो बिल्ड है अल्फा बिल्ड है, इसलिए अभी भी बहुत सारे ऑप्शन को नहीं डाला गया है। बट अगर आपको गूगल कैमरा का लेटेस्ट वर्जन का मजा लेना है तो ये सभी चीज को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। सो ओवरऑल आपको पिक्चर सैंपल कैसे लगा जरूर कमेंट करके बोल देना। एंड अगर आप इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करना चाहते हो, तो इस गूगल कैमरा का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते रहो, वहां पर जाकर आप इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर यूज कर सकते हो। सभी डिवाइस पर काम कर जाएगा, अपने पोको फोन के अंदर काम कर रहा है, अपने MI 2 डिवाइस के अंदर काम कर जा रहा है, अपने नोट 7 के अंदर काम कर रहा है, पोको X3 के अंदर काम कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो गूगल कैमरा है इस ट्रेलर के देखो काफी बढ़िया है, काफी शानदार है। आपको पिक्चर क्वालिटी कैसा देखने को मिल रहा है वो भी जरूर से बोल देना, क्योंकि ये जो
गूगल कैमरा दोस्तों हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग तरीके से काम करेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। एंड डाउनलोडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलो टाटा बाय बाय।